गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू चैप्टर नंबर 7, दैट इज एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। एंड इन टुडेज लेक्चर वी डिस्कस अबाउट टाइप्स और क्लासिफिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कि हम अनएम्प्लॉयमेंट को कौन कौन सी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट 2 टाइप्स की हो सकती है। फर्स्ट वन इज रूरल अनएम्प्लॉयमेंट एंड सेकेंड इज अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट और अर्बन को हम आगे भी फर्दर क्लासिफाई करते हैं। रूरल की क्लासिफिकेशन है डिस्यूज्ड एंड सेकेंड सीजनल, ओके। एंड अर्बन की क्लासिफिकेशन है इंडस्ट्रियल और एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। तो वन बाय वन हम इन सभी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टाइप है रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। रूरल मीन्स जो एम्प्लॉयमेंट हम विलेजेस में देखते हैं, जो बेरोजगारी गांव में पाई जाती है, उसको बोलते हैं रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया लिव्स इन विलेजेस। ज़्यादातर लोग क्या है, विलेजेस में रहते हैं। लार्ज नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन विलेजेस, और गांव में ही ज़्यादा बेरोजगारी पाई जाती है। इन इंडिया 80% ऑफ लेबर्स आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। 80% जो लेबर है, लेबर टोटल लेबर का 80% एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में लगा हुआ है। मोस्ट ऑफ द रूरल लेबर आर एंगेज्ड इन नॉन फार्म सेक्टर्स, वर्क इन कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड ब्लैकस्मिथ ऑफ कारपेंटर। तो छोटे मोटे काम है जो गांव में, उनमें लगे हुए हैं। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट मोर देन टू थर्ड ऑफ रूरल वर्कर्स आर सेल्फ एम्प्लॉयड। मीन्स टोटल का 2/3 पार्ट जो है वो है सेल्फ एम्प्लॉयड। जस्ट 1/3 वर्कर्स वर्क फॉर अदर। मीन्स हायर्ड वर्कर्स जो है वो सिर्फ 1/3 पार्ट है। मीन्स वो अपना ही सेल्फ बिजनेस, जैसे कि खेती बाड़ी हो गई, तो वो उसी में ही लगे हुए हैं। तो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स जो विलेजेस में पाई जाती है, जो एग्रीकल्चर में पाई जाती है। अब फर्दर क्लासिफिकेशन है डिस्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्यूज्ड का सेकंड नेम है हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। हिडन मीन्स छुपी हुई, मीन्स जो हमें नहीं पता लगता बट असल में वो क्या है, बेरोजगारी है। फॉर एग्जांपल हमें एक एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर एरिया है, वहाँ पे हमें वर्कर्स की नीड है 7 persons की, ओके। बट वहाँ पे एक्चुअली वर्क कर रहे हैं 7 की जगह पे 10 वर्कर्स काम कर रहे हैं। नीड है 7 की, काम कर रहे हैं 10 persons। तो जो 3 persons एक्स्ट्रा वहाँ पे लगे हुए हैं वो क्या है, हिडन अनएम्प्लॉयर्स, जिनको हमें ज़रूरत नहीं है फिर भी वो काम में वैसे ही लगे हुए हैं। तो इस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट को बोला जाता है डिस्यूज्ड और हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, ओके। नाउ अब हम रीड करेंगे। Disguised unemployment is a situation in which more people are engaged in worker than are actually needed. असल में जितने की नीड है उससे ज़्यादा वर्क में लगे हुए हैं। ये आप 2.3 खुद रीड करना। सेकेंड पॉइंट है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जो सीजन चेंज होने की वजह से बेरोजगारी आ जाती है। जैसे खेती बाड़ी में काम कर रहे हैं तो जिस सीजन में क्रॉप नहीं उगाई जाती तो उस टाइम क्या है, किसान फ्री है, तो वो टाइम क्या है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, जिस टाइम वो फ्री है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इज़ दैट विच ओक्यूर्स एट सर्टेन सीजन। जो मतलब ऐसे नहीं है सारा साल ही फ्री नहीं है, किसी सीजन के टाइम वो फ्री रहते हैं, किसी टाइम पीरियड के दौरान। इन इंडिया सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इज़ कंसर्न विद एग्रीकल्चर। ये एम्प्लॉयमेंट कहाँ पाई जाती है, एग्रीकल्चर में, क्योंकि जो फसलें हैं वो सारा साल नहीं उगाई जाती, सारा साल उनकी बिजाई नहीं होती, कुछ टाइम पीरियड के लिए होती है। द पीरियड ऑफ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। तो किसी स्टेट में किस चीज़ की फसल है, किसी स्टेट में किस चीज़ की फसल है, तो उसी तरह से अनएम्प्लॉयमेंट में वेरी चेंज होती है। नाउ नेक्स्ट है टाइप अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। जो एम्प्लॉयमेंट शहरों में पाई जाती है। नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन्स इज इंक्रीजिंग इन अर्बन एरियाज। शहरों में ये अनएम्प्लॉयमेंट दिन ब दिन इंक्रीज हो रही है। मेन रीज़न इज एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन। क्यों? क्योंकि सारे ही जो स्टूडेंट्स हैं आजकल पढ़े लिखे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उनकी वजह से सभी को जॉब्स नहीं मिल पा रही, ओके। फ्रॉम 1961 टू
2008 such an employment is 8.5 times. बढ़ के देखो 32 लाख अनएम्प्लॉयमेंट से बढ़ के कितनी हो गई 270 लाख. पहले 32 लाख थे अनएम्प्लॉयड, अब कितने हैं 270 लाख. ओके, अब नेक्स्ट है अर्बन की टाइप्स हैं इंडस्ट्रियल एंड एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट एजुकेटेड. तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे. फर्स्ट जो अर्बन एरियाज में पाई जाती है वो है अर्बन, सॉरी इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट. इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट इज अ अनएम्प्लॉयमेंट अमंग द एजुकेशन, जो एजुकेशन की वजह से होती है. हु विश टू वर्क इन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, उनके पास नॉलेज है, वो इंडस्ट्रीज में काम करना चाहते हैं बट उनको इंडस्ट्रीज में वर्क नहीं मिल रहा. इट इज़ ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, क्योंकि शहरों में भी पॉपुलेशन दिनों दिन बढ़ रही है तो जो फैक्ट्रीज वाले हैं वो भी कितनों को नौकरी देंगे, तो उस वजह से कुछ लेबर ऐसी बच जाती है जिनको जॉब्स इंडस्ट्रीज में नहीं मिलती. सेकेंड पॉइंट, माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल टू अर्बन. हमें पता है माइग्रेशन हो रही है, जो गाँव वाले लोग हैं वो भी कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं शहरों में, तो उस वजह से वहाँ पे इतने जॉब्स नहीं हैं. सेकेंड है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट. एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इज द अनएम्प्लॉयमेंट अमंग द एजुकेटेड पीपल, सभी ही लोग पढ़े लिखे हैं तो उस वजह से जो जॉब्स उनको नहीं मिल रही वो है अनएम्प्लॉयमेंट एजुकेटेड. ये थी आपकी टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया. तो आपने ये कंप्लीट टॉपिक लर्न करना है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अदर टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. कुछ और टाइप्स की भी अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती हैं, जैसे फर्स्टली है क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन विलेजेस एंड एग्रीकल्चर रिमेन लिमिटेड एंड वर्किंग फोर्स कीप ऑन ग्रोइंग फास्ट. देखो वर्किंग फोर्स जो है, लेबर जो है, वो दिन ब दिन बढ़ रही है बट हमारे पास इतनी फैसिलिटीज, इतनी मीन्स एग्रीकल्चर फैसिलिटीज नहीं है कि सभी को जॉब्स मिल सके. देयर इज़ अ क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट और नॉर्मल अनएम्प्लॉयमेंट अमंग एग्रीकल्चर वर्कर्स. सो इस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ होती है, एग्रीकल्चर सेक्टर में. सेकेंड है अंडर एम्प्लॉयमेंट. अंडर एम्प्लॉयमेंट भी मान लो जितना समय हमें जॉब चाहिए उतना टाइम नहीं मिल रही, जैसे दिन में 8 घंटे हम काम कर सकते हैं बट हमें जो ड्यूटी मिली है वो सिर्फ 6 आवर्स की मिली है, कि आपको 6 आवर्स ही काम करना है, उस 6 आवर्स की आपको सैलरी मिलेंगे बट हमारे में एबिलिटी, हम चाहते हैं हमें 8 आवर्स मिले, तो वो एम्प्लॉयमेंट कौन सी है, अंडर एम्प्लॉयमेंट. अंडर एम्प्लॉयमेंट इज़ अ सिचुएशन अंडर विच अ लेबर डज नॉट गेट फुल टाइम जॉब. जब हमें फुल टाइम जॉब नहीं मिलती, जैसे एक मंथ में 30 दिन है हमें 25 दिन ही काम मिल रहा है, ओके, तो वो है अंडर एम्प्लॉयमेंट. थर्ड इज़ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. इट इज़ अ टाइप ऑफ टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट. इट एग्जिस्ट ड्यूरिंग द पीरियड वेयर इन वर्कर्स लीव वन जॉब एंड ज्वाइन सम अदर. जब मान लो एक टीचर है, एक स्कूल में वर्क कर रहा है, ठीक है, वो चाहता है मैं अब अपना स्कूल चेंज करूँ, किसी और स्कूल में टीच करूँ, तो जितना टाइम उसको जॉब नहीं मिल रही नए स्कूल में, वो जितना टाइम घर पे फ्री बैठा है, ओके, तो वो टाइम पीरियड क्या है उसकी, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. जब हम जॉब चेंज करते हैं, दूसरी सर्च करते हैं तो उसमें टाइम लग जाता है, तो वो है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. फोर्थ इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. स्ट्रक्चर मीन्स टेक्नोलॉजी की चेंज आने से जितना टाइम हमें फ्री बैठे रहे. मान लो एक कंपनी ने कहा, ठीक है, वर्कर्स हैं 15 वर्कर्स काम कर रहे हैं कंपनी में, कंपनी ने बोला कि आप 15 के 15 यानी घर पे बैठो, हम अपनी टेक्नोलॉजी चेंज करें, मशीनरी नई लेके आएंगे, फिर आपको जॉब पे वापस बुला लेंगे, तो वो है स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट. जब टेक्नोलॉजी की चेंज आने से थोड़ा टाइम फ्री रह जाता है. विजिबल अनएम्प्लॉयमेंट. फिफ्थ टाइप विजिबल. विजिबल मीन्स जो दिखाई देती है. इन दिस केस पीपल गेट वर्क फॉर लेस देन नॉर्मल आवर्स. जब हमें नॉर्मल आवर्स से कम टाइम मिलता है तो वो है विजिबल. इनविजिबल. इन दिस केस वर्क फॉर फुल टाइम. काम हमें पूरा टाइम मिल गया बट सैलरी जो है वो बहुत कम है, वो क्या है, इनविजिबल.
दे वर्क इन दियर जॉब्स विच आर बिलो देयर पोटेंशियल. वो उस काम कर रहे हैं, उस जगह काम कर रहे हैं जितना उनको उतने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग सैलरी उनको नहीं मिल रही, तो वो है इनविजिबल अनएम्प्लॉयमेंट. सेवन्थ इज साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट. दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉमन ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ डिप्रेशन. डिप्रेशन की वजह से जब कंपनी अपने वर्कर्स को हटा दे, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोरोना पीरियड था, कुछ टीचर्स या कुछ मींस जो इंडस्ट्रीज में वर्क कर रहे थे उनकी उतनी नीड नहीं रही क्योंकि फैक्ट्रीज बंद हैं, तो उन्होंने क्या किया, डिप्रेशन आने की वजह से फैक्ट्री वालों ने उनको कुछ टाइम के लिए हटा दिया. तो वो कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट है, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट. ओके, नेक्स्ट टॉपिक है काजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. क्यों होती है बेरोजगारी, क्यों सभी को नौकरियां नहीं मिलती, क्यों सभी को रोजगार नहीं मिल रहा, उसके रीजंस क्या है. फर्स्टली इंक्रीज इन पॉपुलेशन, दिन ब दिन जनसंख्या बढ़ रही है, तो उसी वजह से जो सरकार है, गवर्नमेंट है, इतनों को नौकरी नहीं दे पा रही, तो उसी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही है. सेकेंड, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ. हमारे जो देश में इतनी ज़्यादा अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं कि सभी को जॉब्स मिल सके. थर्ड है कास्ट सिस्टम. इन इंडिया कास्ट सिस्टम इज़ प्रिविलेंट. कास्ट को बहुत ज़्यादा मतलब जैसे प्रायोरिटी दी जाती है, कैसी को मिल जाती है जॉब, जनरल को नहीं मिलती, तो बेसिकली कास्ट सिस्टम हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा है, कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता है. फोर्थ है ज्वाइंट फैमिली सिस्टम. ज्वाइंट फैमिली सिस्टम की वजह से भी कुछ लोग अनएम्प्लॉयड हैं. इन बिग फैमिलीज हैविंग बिज बिजनेस मैनी सच पर्सन विल बी अवेलेबल हु डो नॉट डू एनी वर्क एंड डिपेंड ऑन ज्वाइंट इनकम ऑफ द फैमिली. फैमिली फॉर एग्जाम्पल 10 मेम्बर्स हैं, 3 या 4 जने काम करें, बाकी सभी क्या हैं, उस पर डिपेंड है. ओके, तो उस केस में भी क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश की बढ़ रही है. फिफ्थ इज एग्रीकल्चर इज अ सीजनल ऑक्यूपेशन. हमें पता है जो पर्सन खेतीबाड़ी में काम कर रहे हैं उनको फुल ईयर वर्क नहीं मिलता, सीजन के टाइम ही काम उनके पास होता है, तो बाकी टाइम वो क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट. तो जो सीजनल है ये भी क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने का एक रीज़न है. सिक्स्थ इज फॉल ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज. हमारे देश में बड़ी इंडस्ट्रीज ज़्यादा ओपन हो रही हैं और छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ क्या है, वो कंपटीशन को फेस नहीं कर पा रही और दिनों दिन बंद हो रही हैं. तो ये है रीजंस काजेज फॉर अनएम्प्लॉयमेंट. तो आज आपने यहाँ तक पेज 196 पॉइंट नंबर 6 तक आपने लर्न करना है और नोट्स बनाने हैं. ओके, थैंक यू.